यूजीसी नेट जून 2014 का क्वेश्चन देखिए। इन अ पेज्ड मेमोरी मैनेजमेंट एल्गोरिथम द हीट रेशियो इज 70%। इफ इट टेक्स 30 नैनो सेकेंड टू सर्च ट्रांसलेशन लूप असाइड बफर एंड 100 नैनो सेकेंड टू एक्सेस मेन मेमोरी द इफेक्टिव मेमोरी एक्सेस टाइम। हमें क्या निकालना है? इफेक्टिव मेमोरी एक्सेस टाइम। तो क्या क्या दिया हुआ है देख लीजिए। हमें क्या दिया हुआ है? हीट रेशियो दिया हुआ है 70%, मतलब 0.7। तो हीट अगर ये है तो मिस क्या हो जाएगा? 0.3। ओके, परसेंटेज को मैंने इसमें कन्वर्ट किया है डेसिमल में। इफ इट टेक्स 30 नैनो सेकेंड, टीएलबी को अगर एक्सेस करते हैं तो उसको टाइम कितना लग रहा है? 30 नैनो सेकेंड। और अगर मेन मेमोरी को एक्सेस करते हैं तो उसको टाइम लग रहा है 100 नैनो सेकेंड। क्या कहना चाह रहा है देखिए, जब भी कोई पेज सर्च किया गया सबसे पहले उसने क्या देखा? सीपीयू ने सर्च किया टीएलबी के अंदर। टीएलबी के अंदर सर्च किया, अगर उसको पेज मिल गया तो ठीक है, अगर उसको पेज नहीं मिला तो फिर क्या करेगा? किस में सर्च करेगा? मेन मेमोरी के अंदर। किस में सर्च करेगा? मेन मेमोरी के अंदर। ओके, और यहाँ से फिर क्या करेगा? इसको भी सर्च करेगा, और जब इसके अंदर मिल जाएगा तो उस पेज को क्या करेगा? फेच करके लेके आएगा। तो देखिए कैसे होगा ये, अगर किसी का इफेक्टिव मेमोरी एड्रेस टाइम निकालना है तो सबसे पहले कहाँ सर्च किया? टीएलबी के अंदर। तो क्या करेगा? टीएलबी सर्च करने का टाइम, मान लिया टीएलबी के अंदर उसको नहीं मिला, और हम क्या मान रहे हैं? हिट रेशियो को हम पी मान रहा हूँ मैं। ओके, इसको मैं बोल रहा हूँ पी, ठीक है। और मिस क्या हो जाएगा? 1-P। अगर इसको सर्च किया टीएलबी के अंदर, ओके, अगर टीएलबी के अंदर नहीं मिला तो ये क्या हो जाएगा? फिर वो नेक्स्ट सर्च करेगा, मतलब टीएलबी के अंदर नहीं मिला तो मिस। ओके, फिर क्या करेगा? वो मेन मेमोरी के अंदर सर्च करेगा, और अगर मेन मेमोरी के अंदर सर्च कर दिया उसको मिल गया तो क्या करेगा? मेन मेमोरी से डेटा लेके आएगा, उसका टाइम एड हो जाएगा। ओके, तो चलिए वैल्यू एड करते हैं। टीएलबी का टाइम क्या है? 30 नैनो सेकेंड प्लस मिस रेट क्या है? पॉइंट। अगर टीएलबी के अंदर नहीं मिला तो मेन मेमोरी के अंदर सर्च करने में तो कितना टाइम लगेगा? 100 नैनो सेकेंड प्लस मेन मेमोरी के अंदर डेटा सर्च कर लिया उसको लेके आने में कितना टाइम लगेगा? 100 नैनो सेकेंड। सॉल्व कीजिए, 30 प्लस ये क्या हो जाएगा? 30 प्लस 100, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 160 नैनो सेकेंड। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। हमेशा ध्यान रखना है, और आप चाहे तो एक ये फॉर्मूला याद रख सकते हैं जो हर जगह आपकी यूज आएगा, टीएलबी प्लस आपने ये टीएलबी मिस और मेन मेमोरी के अंदर सर्च टाइम प्लस कैश, कैसे मिस टाइम, ये क्या होगा? कैसे मिस प्लस मेन मेमोरी के अंदर सर्च किया प्लस ये क्या हो जाएगा? पेज फॉल टाइम और पेज सर्विस टाइम। तो ये फॉर्मूला अगर आप जैसे जैसे आगे पढ़ोगे उसके अंदर बहुत ज़्यादा यूज आने वाला है, इस फॉर्मूले को आप कहीं लिख लीजिए। यहाँ पे टीएलबी है और ये पीटी का मतलब है टीएलबी मिस। जैसे हमने यहाँ पे अभी वैल्यू पुट की थी ना, ये मिस, फिर ये हो जाएगा कितने लेवल है। ओके, फिर ये हो जाएगा मेन मेमोरी एक्सेस टाइम प्लस कैश को एक्सेस करने का टाइम प्लस कैश को मिस करने का टाइम, कैश मिस, ये क्या हो जाएगा? मेन मेमोरी एक्सेस करने का टाइम प्लस ये हो जाएगा पेज फॉल टाइम, और ये क्या हो जाएगा? पेज सर्विस टाइम। तो आगे अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। इसके अंदर भी आप पुट कर सकते हैं इसी को ही, टीएलबी का टाइम दे लीजिए 30, ओके, और मिस टाइम देखिए आपने यही किया है, मिस रेशियो क्या है? 0.3, फिर के यहाँ पे 1 है, कोई भी लेवल नहीं दिया हुआ है, और यहाँ पे एम की वैल्यू क्या है? 100 प्लस सी और पी, इनकी वैल्यू नहीं दे रही, इनको नहीं लिया, और यहाँ क्या बचा? सिर्फ एम, तो मैंने एम की वैल्यू लिख ली, इन सबको हमने क्या कर दिया? 0 दिया हुआ है, लिख लिया। तो इसका आंसर आ गया 160 नैनो सेकेंड। थैंक यू।